सुश्री प्रियेशा देशमुख शूटिंग। अच्छा प्रियेशा, आप पुणे से हैं? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र पुणे में पार्टी करती हूँ। मेरा नाम प्रियेशा शरदराव देशमुख है। वो मैं 8 साल में पार्टी कर रही हूँ शूटिंग में। उसके पहले मैंने चेटिंग, बैडमिंटन सब कुछ खेला, लेकिन तो मैं हार गई। तो मैंने सोचा शूटिंग अच्छा है, तो मैं शूटिंग में 2014 में ज्वाइन हुई। उसके बाद मैं तो 2014 to 2015 में नेशनल गेम था, वहाँ में लैट में 7 गोल्ड मेडल टेप कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। और पहली बार मुझे लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रशिया में कजान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला, बाकी कोई होगी नहीं आई। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और परेशान भी लग रहा, लेकिन दादी के आशीर्वाद से और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हो, आप पहली बार जाए हो तो जाओ खेलो, जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस करते दिखाओ। परंतु मुझे पता नहीं क्या मिला, लेकिन तो लास्ट टाइम में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ तो फाइनल हुआ, बाद में तो फाइनल होते तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, 2017 में आप 6ठे स्थान पर आई थी, इस बार स्वर्ण लेकर आई है, ये कुछ छोटी सिद्धि नहीं है। तो तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अभी भी अपने आप को शिकायत करती रहती हो? नहीं, वही थी, अब मैं तो कॉन्फर्म नहीं थी, हम खुद मैं खुद भी कर ली हूँ। दादी और पापा के आशीर्वाद और मेरा गुरु है अंजलि भागवत के, उसके कोच वजह मैंने सिखाया है जो करने करो, लेकिन पॉजिटिव सोचो तो कर लिए, तो मेरा वर्ल्ड रैंक 6 और अभी सेकेंड ओलंपिक में ब्राजील में हुआ, तो धनुष के साथ मिक्स टीम में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो दादी ओलंपिक होने से पहले दुनिया में नहीं है अभी, उसने मुझे मेरा प्रॉमिस दिया था कि आप पता जीते अवश्य आएंगे, लेकिन दादी ने मुझे वादा दिया कि अब मेडल अवश्य मिलेगा, लेकिन अचानक उसकी मौत होने के बाद तो मैंने उसका स्वप्न मैंने पूरा कर दिया, तो मेरे तो अच्छे लग रहा है और मेरा कोई कुछ नहीं। देखिए प्रियेशा, सबसे पहले तो मैं अंजलि भागवत जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपना इतना जी जान से मेहनत की। थैंक यू सर। तो मैं सचमुच में बताता हूँ कि एक तो तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का, लेकिन कोच भी अगर जी जान से तुम्हारे लिए काम करता है तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप हो तो पुणे से हैं और पुणे के लोग तो बहुत शुद्ध मराठी बोलते हैं। हाँ पता है, मैं मराठी बोलती हूँ। तो आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हो? मैं मराठी हिंदी सब बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है मराठी में तो मुझे मेरी लैंग्वेज होते, मैंने सोचा कि दुनिया में एक लैंग्वेज नहीं बात करना, सब लैंग्वेज बात करती है, लेकिन मैं बात करती हूँ मराठी में। मुझे ये भी बताया गया आपकी दादी ने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया, कभी निराश नहीं होने दिया, कभी आपको उदास नहीं होने दिया, अनेक चुनौतियों का पार कर पाई। और जैसा मुझे बताया गया है कि आपने नए नए तरीके से इसको सीखने का प्रयास किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू।